फिर राम मंदिर सुर्खियों में है। इस बार राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने छेड़ा हुआ है। शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने 25 नवंबर को अयोध्या जाने का ऐलान कर दिया है। शिवसेना की विजयदशमी रैली में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो 25 नवंबर को अयोध्या जाएंगे और प्रधानमंत्री मोदी से पूछेंगे कि राम मंदिर का निर्माण क्यों नहीं हो रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज भी कसा और कहा कि जैसे अच्छे दिन एक जुमला है, 15 लाख रूपये खाते में भेजना एक जुमला है, वैसे ही अगर आपने राम मंदिर पर अपना वादा पूरा नहीं किया तो उसे भी जुमला ही बोलना पड़ेगा। तो अभिषेक, ये जो बयान इस समय आ रहा है उद्धव ठाकरे का, क्या माना जाए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरडी पहुंचे हुए हैं और उससे एन एक दिन पहले उद्धव ठाकरे इस तरह का बयान देते हैं, तो कहीं ना कहीं हिंदू वोट जो उनसे थोड़ा सा छिटक गया है उसको पोलराइज करने की एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं। राम मंदिर का राग जो है वो अब बीजेपी के पास तो था ही, शिवसेना ने भी छेड़ दिया। बिल्कुल, देखिए इसके जरिए साफ मकसद है उद्धव ठाकरे का कि इनके चाहते हैं कि देश भर में राजनीति करे हुए, और हमेशा देखा गया होगा आपने कि जहां जहां भी राज्यों में जब वह चुनाव होते हैं तो शिवसेना के लोगों को वोट वहां पे खड़ा किया जाता है कि ताकि वह शिवसेना के कोई भी कम से कम सांसद या फिर विधायक चुनकर आए, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाता है। तो शायद उद्धव ठाकरे की एक बड़ी मंशा है कि इसके जरिए कम से कम देश भर में वह राजनीति कर सके और तमाम राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं कम से कम वहां पर अपने लोगों को खड़ा करे, तो कम से कम शायद एक दो सीट शिवसेना की चुनकर आ जाए। लेकिन इसके साथ साफ मकसद है कि इनके जिस तरह के बीजेपी से उनकी जो खटास है वह खटास लगातार देखने को मिलती है। देखिए साफ है कि सत्ता में केंद्र की सरकार की बात करें और राज्य सरकार की बात करें, दोनों में शिवसेना सहभागी है, लेकिन बावजूद इसके जब दशा की पूरी रैली में जितने भी उनके नेता थे, उद्धव ठाकरे से लेकर जितने भी शिवसेना के जो दिग्गज नेता है, सभी के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी रही। यानी बीजेपी के साथ में वो सत्ता में भी है लेकिन बीजेपी से दुश्मनी भी करके बैठे हुए हैं कि बीजेपी की जो गलत गतिविधियां हैं, जो गलत नीतियां हैं, उसका लगातार विरोध करते रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं अभिषेक, किसी भी दल की बात कर लो, मंदिर किसी को नहीं बनाना है, सिर्फ वोट पर निशाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए, और फिलहाल हमें